शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। लेकिन वो हमारा बच्चा। बेटा मिल जाएगा हमारा बच्चा, पुलिस पूछताछ कर रही है ना। देखो सच बताओ, बच्चा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानती। देखो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है और जेल भी हो सकती है। सच बोलो, बच्चा कहाँ है? आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? मुझे नहीं पता। बच्चा चुराने की सजा मालूम है तुम्हें? मैंने बच्चा नहीं चुराया, नहीं चुराया मैंने बच्चा। मैं खुद हैरान हूँ, जो एक पल पहले मेरे सामने था और जैसे यहाँ फोन बजा, मैं यहाँ फोन उठाने गई तभी बच्चा गायब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, पिछले 2 दिनों से बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर थी और मैं अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करती। कितने सालों से मैं इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, आज तक कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। पता नहीं कौन आया और बच्चे को उठा ले गए, मैं नहीं जानती। इंस्पेक्टर, चोर कभी ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है, ये सीधी तरह से नहीं मानेगी। जरा सख्ती से पेश आइए इसके साथ, इसके घर की तलाशी लीजिए। क्या पता इस घर में बच्चा छुपा कर रखा हो। हमें हमारा बच्चा चाहिए।
का ये काम भी हो जाएगा। हॉस्पिटल से तो ये बच्चा गायब हो ही चुका है, अब ये इस शहर में भी नजर नहीं आएगा। अच्छी कीमत दे रही हैं आप, तो आपका काम भी अच्छे से ही होगा। रानी तुम्हें तुम्हारा आर्यन जरूर मिल जाए। हमारा आर्यन रो रहा है, हमारा आर्यन रो रहा है, भूख लगी। रानी बेटा, किस्मत के खेल निराले, क्या हो कब कोई न जाने। ममता भी लगती रो रही है, हो जो थी महलों की रानी, जिसने थी हार न मानी। बेबस भी कारण सी खड़ी है, हो खरी सहमी सी, सुध बुध खोए पगली सी, खोज रही ममता अपना लाल करा हो मैं। टूटी बिखरी सहमी सी, सुध बुध खोए पगली सी, खोज रही ममता अपना लाल करा हो मैं। खिलौनों से तो सजा दूंगा, लेकिन जब मेरा खिलौना इस कमरे में खेलेगा तो पता है मुझे और रानी को कैसा लगेगा कि चांद सूरज तारे सब हमारी झोली में समा गए। आर्यन थापर, जेडी थापर का पोता, प्रिंस थापर का बेटा, आर्यन थापर। क्यों रे, मैंने तुझे ठीक से पकड़ा है उन्हें? अरे भाई, बच्चा लंदन में पढ़ेगा, आगे एडवांस स्टडीज के लिए अमेरिका जाएगा, और 35 देशों में हमारे ऑफिसेज हैं, वहां भी तो जाएगा। और जब तक ये बड़ा हो जाएगा ना, तब तक पूरी दुनिया में हमारे ऑफिसेज होंगे। फिर क्यों रानी, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ना। पहले से दूध पिला दीजिए, बहुत रो रहा है, नहलाएं कैसे हम इसे।
देखा रानी, माँ और बच्चे का रिश्ता कितना अनोखा होता है। बच्चा कोसों दूर हो और अगर वो रोए तो माँ का दिल अपने आप ही तड़पने लगता है। हमारी खुशियां किसने छीनी माँ? माँ, मैं रानी की आंखों में देखता हूं, उसकी आंखों में सवाल देखता हूं, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। कैसे कहूं माँ, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। माँ, जब हमें दुनिया में इतनी सारी खुशी मिली थी तो भी वो कहाँ गई माँ? कहाँ गई? हमारे सपने क्यों बिगड़ गए माँ? तू इस तरह से मत रो मेरे बच्चे, तू मत रो, चुप हो जा।
सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए आप, बच्चे के गुम होने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दी गई होगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही होगी। इस वक्त अगर बच्चे को यहाँ से निकाला तो खतरा मोल लेना पड़ जाएगा। बस देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने ये काम मुझ पर सौंपा है, लेकिन फिलहाल मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती हूँ। और देखिए, थोड़ा रुक जाइए, जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस बच्चे को कहीं दूर छोड़ाऊंगी। हाँ, आप मुझे फोन मत कीजिएगा, बस थोड़ा तूफान थम जाए, मैं खुद जाकर इस बच्चे को इस शहर से कहीं बाहर दूर छोड़ाऊंगी, बस ओके। देखिए इंस्पेक्टर, एक महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी तक आप हमारे आर्यन का पता नहीं लगा पाए। जी हाँ, हमारी उम्मीदें तो आप पर ही टिकी हुई है ना? जी हाँ, ठीक है, हम इनाम की रकम भी बढ़ा देंगे। पैसे मेरे पोते से बढ़कर नहीं है, लेकिन कम से कम आप उसकी खोज खबर तो निकालिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये किडनैपिंग का केस बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर ऐसा होता तो हमसे फिरौती की मांग करते ना। पता नहीं किसी ने मेरे पोते को क्यों चुरा लिया है। एनीवे, आप अपनी कोशिशें तेज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। खबर साहब, फिर वही बातें हैं। उनकी घंटी बजती है तो उम्मीद की किरण जगती, लेकिन फिर वही ना उम्मीद है। थापर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुझे भी ये किडनैपिंग का केस नहीं लगता। उस दिन अखबार में पढ़ा था कि बच्चों को चुराने वाला एक गिरोह इस शहर में सक्रिय है। मैं तो कहती हूँ जी, ऐसे लोगों के हाथ टूटेंगे, कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को जो माँ से अपने बच्चे को चुरा लेते हैं। जिसने भी हमें दुख दिया है ना, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना, पता नहीं मैं क्या करूंगा उसका। लेकिन पुलिस को सुराग ही नहीं लगा पा रही। जितनी देर हो रही है ना राजेंद्र जी, मुझे तो उम्मीदें कम नजर आती हैं। जी जी प्लीज, आप अपनी हिम्मत मत हारिए। ये भी बात सोच सोच कर मैं थक गई हूं कि इतनी घटिया हरकत किसने की होगी। कौन होगा हमारे परिवार का इतना बड़ा दुश्मन? मुझे तो रानी की हालत देख देख कर बहुत घबराहट होती है। समधन जी, आपने देखा है उस बच्ची को? सुबह से लेकर रात तक जब देखो रोना। अरे हम लोग तो इधर उधर की बातें करके फिर भी अपना दिल बहला लेते हैं, लेकिन उस बच्ची का क्या? वो कर भी क्या सकती है, माँ है ना, कैसे अपने दिल को समझाएगी बेचारी कि उसने जिस नई जिंदगी को जन्म दिया, जिसे अपनी कोख से जन्म दिया, उसके दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा कहीं खो गया पैदा होते ही। पता नहीं उस बच्चे की किस्मत में और कितना रोना लिखा है। रानी, बहुत गहरा जख्म मिला है उसको, बहुत गहरा जख्म।